फ्रेंड्स, पीएस की किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी सेवई की खीर। तो सेवई की खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सेवई लिया हुआ है। ये वाइट वाली मोटी वाली सेवई है। एक पतली आती है ब्राउन कलर की, आप उसको भी ले सकते हैं। और एक कप यहाँ पर मैंने लिया हुआ है और एक कप यहाँ पर दूध है। यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू है, पिस्ता है, चिरौंजी है, किशमिश है, बादाम जिसको मैंने कट कर लिया है इस तरह से। और यहाँ पर मैंने कोकोनट का पाउडर लिया हुआ है भूरा हल्का सा। और यहाँ पर मैंने इलायची का पाउडर लिया हुआ है जिसको मैंने छील के कूट कर लिया है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने घी लिया है। खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी थी और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है। अब ये जो सेवई है इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको हम भूनेंगे। इसको लाइट ब्राउन होने तक हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। जब सेवई का कलर चेंज हो जाएगा, लाइट ब्राउन हो जाएगा, तब तक के लिए हम भूनेंगे बस। यहाँ पे सेवई मेरी भून चुकी है, अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसको मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया। अब इसी कढ़ाई के अंदर मैंने 1 टेबल आधा टेबल स्पून मैंने घी ऐड कर दिया है। और ये जो ड्राई फ्रूट्स है इसी के अंदर हम डाल देंगे और इसको हल्का सा हम रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस रोस्ट करेंगे। इसके अंदर हम ये दूध डाल देंगे, गाढ़ा होने तक पकाएंगे। फ्लेम को हाई फ्लेम पे इसे गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। दूध यहाँ पे देखिए गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सेवई और इसको मिक्स कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे। सेवई यहाँ पे मेरी पक चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर ये हम नारियल का बूरा डाल देंगे और शुगर डालेंगे। शुगर स्टार्टिंग में मैं दिखाना भूल गई थी, तो इस स्टेज पे अब हम इसके अंदर शुगर डालेंगे। तो 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने शुगर ऐड किया है और इसको मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर ये जो इलायची का पाउडर है वो भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बाउल में सर्व कर लेंगे। देख सकते हैं सेवई की खीर हमारी बन के रेडी हो चुकी है। ये खाने में बहुत डिलीशियस लगता है। अगर आपका कुछ खाने का मन है मीठा और आपके पास नहीं है, तो इसे आप झटपट बना के खा सकते हैं। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, कम समय में ये बन के रेडी हो जाता है। मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।